यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। गांव का छोरा जब बारात लेकर पहुंचा तो उसे देखकर दुल्हनिया हैरान रह गई। दूल्हे का सपना तो सच हुआ ही, साथ ही दुल्हनिया ने भी ऐसा सरप्राइज नहीं सोचा था। यह अनोखी शादी हरियाणा के मंडी आदमपुर के महत सरे की ढानियों की है। मौका था गांव के बूढ़े किसान राम नारायण पुनिया के पोते रवि पुनिया की शादी का। दूल्हा राम कुमार अपनी दुल्हनिया सुमन को लेने किसी गाड़ी या घोड़े बग्गी में नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर में गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और दूल्हा दुल्हन उतरे तो देखने के लिए ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। दूल्हे रवि के दादा राम नारायण पुनिया की इच्छा थी कि उनका पोता होने वाली दुल्हन को हेलीकॉप्टर में बिठाकर ससुराल लेकर आए। दादा की इस इच्छा को पूरी करने के लिए शादी के लिए दिल्ली से हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवाई गई। बुधवार रात को दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के गाँव लांधड़ी पहुँचा, जहां पर दूल्हा दुल्हन की शादी हुई। और अगले दिन शादी के बाद यानी वीरवार को करीब 12:15 के करीब इन दोनों की विदाई की गई। दोनों गांव की दूरी करीब 15 किलोमीटर की है, लेकिन दूल्हा रवि अपनी दुल्हन सुमन को हेलीकॉप्टर में सिर्फ 15 मिनट में गांव में लेकर आ गया। और जब वे दोनों हेलीकॉप्टर में गांव में लैंड हुए तो इन दोनों को देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। आपको ये भी बता दें कि इस तरह की घटना एक बार पहले भी हो चुकी है, लेकिन पहले ये हुई थी पंजाब में, जहां पर दूल्हा अपनी दुल्हन को रिक्शे पर लेकर आया था अपने घर।